कितना मजा आ रहा है ना इस जंगल में आकर। वैसे काम्या, तुम तो यहाँ कई बार आई होगी ना, आफ्टरऑल तुम्हारे पापा इस जंगल के ऑफिसर जो है, और मैंने सुना है तुम लोगों को तो यहाँ रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिलते हैं। यार मेरे डैड यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर जरूर है, पर मैं हार्डली यहाँ एक या दो बार आई हूँ। काम्या, तुम्हारे पापा भी यहाँ होते तो कितना मजा आता। यस मॉम, आई एम सीरियसली मिसिंग डैड। अरे डोंट वरी काम्या, हम तो फ्रेंड्स तो यहाँ एक साथ है ना। इस जंगल में सब कुछ देखने लायक है, जंगली जानवर, जंगली पेड़ पौधा, जड़ी बूटियाँ, यहाँ तक कि जंगली आदमी शिकारा। ये जंगली आदमी जैसा भी कुछ होता है क्या? विश्वास करो, जंगली आदमी होता है। एक दिन जंगल में मैंने जंगली आदमी की झलक दिखी, मैं उन्हें पूरा ना देख पाया, पर मारे विश्वास करो, ये हट्टा कट्टा और ये पहाड़ सा बदन और ये विकप बाजू, तब गलती से कहीं आप उनके सामने ना आ जाइयो। अमेजिंग यार, ये तो किसी हिंदी फिल्म के हीरो जैसा होगा। उसके बारे में ये सब सुन के मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। काम्या, गर्ल्स इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, जंगली आदमी है, he could be dangerous. Someone is getting jealous, huh? चलो चलो। Hey, I love you. I love you too. यो जंगल का सेंटर से और इससे आगे जंगली जानवरों का खतरा से। के लिए चलते हैं। अरे इस वक्त? हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे कम ऑन चलो ना। मॉम जाग जाएंगी, जा तू। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम आओ ना, कम ऑन प्लीज। ओके। कितना रोमांटिक लग रहा है ना जंगल में नाइट वॉक करना। अब मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है, हम अब यहाँ से चलें प्लीज। बेबी तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सोहेल नहीं, प्लीज चलो सोहेल। क्या देख रहे हैं इसे? चले यहाँ से। समझ नहीं आ रहा तेरे को? चले यहाँ से। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा।
काव्या 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 क्या हो गया तुझे? काव्या मेरी बच्ची, काव्या आगे खोलो, काव्या काव्या तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। काव्या जंगल में घूमने आए हुए ग्रुप के एक लड़की काम्या को मार डाला, किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि इसी जंगल में रहने वाले जंगली मानव चिकारा ने। अब वो पुलिस के गिरफ्त में है, वो देखिए। चल लेके चलो। तो ये जंगली मानव ही कातिल है। काम्या मेरी दोस्त थी और सर मैंने तो जंगली आदमी सिर्फ फिल्मों में देखा, पहली बार रियल लाइफ में देखा। आपको क्या लगता है, क्या जंगली आदमी खून कर सकता है? नहीं, उसने खून नहीं किया। वरुण आइए बैठिए। मेरा नाम डॉक्टर तमन्ना जोशी, मैं एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट हूँ और पिछले 2 साल से उसी जंगल के जंगली जानवरों पर रिसर्च कर रही हूँ। कहिए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं आपके पास जंगली मानव चिकारा का केस लेकर आई और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने ये खून नहीं किया। इतना विश्वास ऐसे कैसे कह सकती है? एक दिन मैं अकेली जंगल के रहस्यों की जानकारी लेते हुए आगे निकल गई। सामने आकर खड़ा हो गया था, उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, पर उसने मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आई इंसिस्ट, आपको एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। ठीक है तमन्ना जी, अब आग्रह कर रही है तो मैं भेंट कर लेता हूँ उससे एक बार। थैंक यू। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जानवर है, इंसान नहीं है, संभल के रहिए। चीख सुने आपने? उसी की सोचिए, जिसकी चीख इतनी हैवानियत भरी है वो इंसान कैसे होगा। अगर आपको फिर भी उससे मिलना है जाइए। क्यों बात कर रहा हूँ तुमसे कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे नहीं, मेरी भाषा समझोगे नहीं। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। मैं एक चित्र आग कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, मैं बचाऊंगा तुम्हें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता ना, मुझसे मिलना तो दूर, तुम मुझे फोन भी नहीं करोगे, समझे? एंड डोंट वरी, कोर्ट में ये बात साबित ही नहीं होगी। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस आज इंसान और इंसान के बीच का नहीं है, एक इंसान और जंगली जानवर के बीच का है।
जो जानवरों में रहकर और भी जंगली हो गया है। मिस दीक्षित, मेरा मोखिल एक इंसान है, मानव है, वो जंगली जानवर नहीं है। मिस्टर पाठक, इसको जानवर ना कहूँ तो क्या कहूँ, जानवरों के बीच में जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि आप प्रोसिक्यूटर साहिबा को आगाह करें कि मेरे मोखिल को जानवर कहकर ना पुकारें। जंगली जानवर नहीं है तो क्या है मिस्टर केडी, प्लीज इलैबोरेट। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपकी तरह इनके भी दो हाथ दो पांव दो आंख दो कान है, आपकी तरह ये भी मनुष्य है, इनका भी एक नाम है चिकारा, इसी नाम से आप संबोधित करें। योर ऑनर, ये जो जंगली जानवर, सॉरी क्या नाम बताया था इसका? चिकारा। यस, चिकारा। इसने कामया जी के पेट में ये पत्थर नुमा हथियार कामया के पेट में खोप कर उसकी हत्या कर दी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा जानवरों की बात कर रही है, जानवर भी बिना किसी कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाते। मेरे मुवक्किल के पास कोई कारण नहीं था यह हत्या करने का, यह हत्या इन्होंने नहीं की। कारण था योर ऑनर, भूख। भूख एक इंसान को भी जानवर बना देती है। यह कामया को चीरकर खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पे लोग आ गए। मैं अपना ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कटघरे में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनील त्यागी को। अनुमति है? डॉक्टर सुनील त्यागी, आपने चिकारा की जांच की, आपने उसमें क्या पाया, प्लीज इलैबोरेट। योर ऑनर, यह इंसान शारीरिक संरचना के आधार पर एक इंसानी जीव है, लेकिन मानसिक तौर पर यह एक जंगली जानवर की तरह है। इसने जंगल में जन्म लिया था और उसका पालन पोषण भी जंगल में हुआ था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह जानवरों की तरह ही सोचता है। एक जानवर का दूसरे जानवर को मारने के दो खास कारण होते हैं, एक अपनी भूख मिटाने के लिए और दूसरा दूसरे जानवर से अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने ऐसे कई तरह के केस देखे हैं। ये ऐसे मानव जीव होते हैं जो भेड़ियों, बंदरों और दूसरे कई जानवरों के द्वारा पाले जाते हैं, और ऐसे पाले गए प्राणी का व्यवहार भी जानवरों की तरह ही होता है, जैसे कि उन्हीं की तरह आवाजें निकालना, उन्हीं की तरह हाव भाव, उन्हीं की तरह व्यवहार करना। योर ऑनर, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, अमेरिका के वर्जीनिया शहर में एक आदमी ने फॉक्सहाउंड नाम के कुत्ते को पाल रखा था। वो एक हफ्ते के लिए अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, पर गलती से वो अपने कुत्ते के लिए खाना रखना भूल गया। जब वो वापिस लौट कर आया तो भूख से बेहाल उस कुत्ते ने अपने ही मालिक को नोच नोच कर खा गया। थैंक यू डॉक्टर त्यागी, आप अभी जा सकते हैं। योर ऑनर, ये एग्जाम्पल था एक पालतू जानवर का भूख के कारण जंगली बन जाना। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है, और इस बात की गवाही के लिए मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगी सोहेल को। इजाजत है? जी हाँ, उस रात मेरे ही कहने पर काम्या मेरे साथ आई थी। सोहेल, मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है, हम अब यहाँ से चले प्लीज। बेबी, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सोहेल नहीं, प्लीज चलो। सोहेल, के बेहोश होने के बाद चिकारा ने कामया के पेट में चाकू खोप दिया और उसके पेट को चीर कर चिकारा खाने ही वाला था। उतने में वहां पे लोग आ गए कामया की चीख सुनकर। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए अपने अगले गवाह उसी जंगल के जंगल कर्मी रूप सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रूप सिंह, घटना की रात आपने क्या देखा, प्लीज इलैबोरेट। उस रात मैं क्वार्टर ऑफिस के बाहर सोया होता जी। मैं अपनी बंदूक और रस्सी लेके आवाज की दिशा में दौड़ दिया, थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो छोरा बेहोश पड़ा हुआ था और यो अपने दोनों हाथों से वो छोरी का पेट चीर रहा था। योर ऑनर, रूप सिंह की गवाही से ये साबित होता है कि कामया का खून इस जंगली मानव चिकारा ने ही किया है। योर ऑनर, चिकारा ये हत्या नहीं कर सकता। इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं जंगल की एक शोधकर्ता मिस तमन्ना जोशी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। तमन्ना जी, कृपया अदालत को बताइए कि आप चिकारा के बारे में क्या जानती हैं। योर ऑनर, मैं इस जंगल में 2 साल से ज्यादा समय बिता चुकी हूँ। इस जंगल के हर एक जानवर से वाकिफ हूँ मैं, खासतौर पर चिकारा।
चिकारा वही करता है जो इसे सिखाया जाता है। इसके खाने में मीट नहीं, फल और कच्ची सब्जियां हैं। योर ऑनर, जैसे डॉक्टर सुनील त्यागी ने कहा, चिकारा जैविक रूप से तो इंसान है, लेकिन मानसिक रूप से वो जानवर ही है। हो सकता है उसके मुंह कभी खून लग गया हो और वो नरभक्षी हो गया हो। That's not possible. ये नरभक्षी नहीं है। एक इंसान का जो पाचन तंत्र होता है वो जानवरों से बहुत अलग होता है, और अगर ये कच्चा मांस खाने के काम ना आए तो फिर इसे इसका स्वाद या इसे पचाने की क्षमता कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो चिकारा के साथ आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव हो तो उसके बारे में बताएं। एक बार मैं घने जंगल में अकेली चली गई थी और मेरे सामने चिकारा आ गया था। और उसके कुछ दिनों के बाद कैसे ले सकता है? Your Honor, तमन्ना जी की बातों से सिद्ध हो जाता है कि मेरा मुवक्किल चिकारा कोई आदमखोर, कोई नरभक्षी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है Your Honor, कि यह हत्या किसी और मनुष्य ने की है। Your Honor, ये काम किसी और इंसान का नहीं है, ये काम चिकारा का ही है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं कामिया की माँ अंजलि भार्गव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? इसीलिए मारे मेरी कामिया को, किसी से तो मत छोड़िए, इसे फांसी दे दीजिए, इसीलिए मारे मेरी कामिया को। अंजलि जी शांत हो जाइए, आप प्लीज प्लीज अदालत को बताएं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात हम लोग सो रहे थे, तभी मैंने अचानक एक चीख की आवाज सुनी। कामिया, क्या हो गया तुझे? कामिया मेरी बच्ची, कामिया आगे खोलो, कामिया छोड़ना मत इसे, इसी ने मारा है कामिया को। अंजलि जी आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह निशा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। इजाजत है। निशा, तो तुमने उस रात क्या देखा? उस रात किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आपका क्या कहना है मिस्टर पाठक? एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रही थी आधी रात को? आप कहाँ थी, क्या कर रही थी आप? जब मैंने सोहेल और काम्या को एक साथ इतनी रात बाहर जाते देखा तो मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने उनको फॉलो किया। तो आपने उनका पीछा किया तब तो आपने हत्या होते हुए देखा होगा, आपने वहां घटनास्थल पर जाने का प्रयास नहीं किया, उसे बचाने का प्रयास नहीं, कुछ नहीं किया ऐसा आपने? क्यों? मैं एक्चुअली रात के अंधेरे से डर कर वहां से वापस आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आधे रास्ते से नहीं लौटी थी, आप पीछा करती गई दोनों का। और चूंकि तुम सोहेल से प्यार करती थी और सोहेल काम्या से प्यार करता था, तो सोहेल को पाने के लिए आपने सोचा क्यों ना काम्या की हत्या कर दे और अपने प्यार को पा ले। सोहेल, क्या हुआ तुम्हें?
किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो अपने रूम में वापस आ गई थी। हाँ लेकिन जब मैं अपने रूम में गई तो नीलिमा अपने बिस्तर पर नहीं थी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं नीलिमा जी को बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि वो अपने बिस्तर पर क्यों नहीं थी। इजाजत है। नीलिमा जी, निशा ने अभी भी बताया कि समय आप अपने बिस्तर पर नहीं थी, कहाँ गई थी आप? जी जी सर, मैं वॉशरूम गई थी। जब चीख सुनाई दी तब वॉशरूम गई थी, लेकिन आप फिर वहाँ पर बिस्तर पर नहीं थी। ठीक है, आप बैठिए, आपसे बाद में वार्तालाप करता हूँ। योर ऑनर, मैं निशांत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। निशांत जी, ये बताइए कि जिस समय कामया की हत्या हुई आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, अचानक से मैंने कामया की चीख सुनी। इसी जंगली ने मेरी दोस्त का खून किया जत्था। अभी कुछ कहने के लिए सुनने के लिए बचा है मिस्टर पाठक? बहुत कुछ बाकी है कहने सुनने के लिए, आप बैठिए ना। तो जहां तक मेरी जानकारी है, रोहन तुम्हारे साथ शयन कक्ष में था, तो वो तो इस बात का चश्मदीद गवाह होगा कि तुम सो रहे थे और चीख सुनाई दी तब उठे। रोहन? रोहन उस वक्त कमरे में नहीं था। रोहन कमरे में था ही नहीं, क्यों? तुम्हें कैसे पता होगा, ये तो रोहन ही बताएगा। आधी रात गए आप अपने शयन कक्ष में नहीं थे, कहाँ चले गए थे आप? मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने चला गया था। टहलने गए थे आप आधी रात को? जी सर। नहीं, ऐसा तो नहीं रोहन की टहलते टहलते ही तुमने कामया की हत्या कर दी हो? लेकिन कामिया को मारने का कोई मकसद ही नहीं था रोहन के पास। हाँ मकसद, क्योंकि रोहन भाई साहब ने कामिया के साथ में जोर जबर किया था। मैं आप प्लीज, तुम इसकी कंप्लेन मत करो, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। कामिया, आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। कामिया, और कामिया ने इस बात की रिपोर्ट इनके प्रिंसिपल से की थी, जिसके कारण इन्हें कुछ महीनों के लिए कॉलेज से बाहर किया गया था। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, लड़कियों को छेड़ने के लिए भाई साहब ने 2 दिन सलाखों के पीछे भी बिताए हैं। हो सकता है कामिया ने जो इनके विरुद्ध किया उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने कामिया की हत्या की। मैं सही कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ? ये सच है कि मैं 2 दिन के लिए हवालात में था और मैंने कामिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। एक्चुअली मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं और नीलिमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस रात हम दोनों साथ थे बाहर, मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि कामिया की दोस्ती सुहेल से हो गई है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्ती के लिए मैं सब कुछ भूल गया और कामिया ने भी मुझे माफ कर दिया सर। इसी आदमी ने उसे मारा, इसी जंगली आदमी ने उसे मारा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? यही है हत्यारा, इसी ने मारा मेरी कामिया को। Order, order. The court is adjourned for the day. देखा सर, मैं कह रही थी ना कि यही कातिल है, आज कैसे हंगामा किया उसने कोर्ट में। हाँ, लेकिन अदालत में सोहेल ने जो बर्ताव किया उसके साथ, ऐसे में तो किसी को भी क्रोध आना स्वाभाविक है। तो एक काम कर वरुण, देखा
ना तुम पर शकाया और ना मुझ पर। अब बस बैठकर देखते जाओ। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसे आपने पिछली अदालत में देखा कैसे ये जंगली मानव एक इंसान से जानवर बन गया था। मिस्टर पाठक, क्या आप अब भी इसे निर्दोष समझते हैं? जी, क्योंकि योर ऑनर, क्रोध एक ऐसी प्रवृत्ति है जो एक भले मानुष को भी जानवर बनने पर उतारू कर देती है। अब सोहेल ने जो बर्ताव किया इनके साथ, स्वाभाविक है योर ऑनर कि इन्हें क्रोध आया और फिर इन्होंने जो किया वो किया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं सोहेल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। पिछली सुनवाई में आपको बड़ा क्रोध आया था चिकारा जी पर, क्यों ऐसा? क्योंकि मैं और काम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसने मेरी काम्या को मुझसे छीन लिया। मुझे जानकारी मिली है तुम्हारे मित्रगण से कि कुछ समय पहले काम्या से तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था और इतना खराब झगड़ा हुआ था कि तुम्हें छोड़ने वाली थी, ब्रेकअप होने वाला था तुम। मिस्टर पाठक, आप इस केस को कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा में, देखते जाइए आगे। योर ऑनर, खून चिकारा नहीं किया है। मिस्टर पाठक, पता नहीं क्यों गवाहों पर इल्जाम लगाकर केस को बढ़ाना चाहते हैं। चिकारा ने काम्या को मारा ही नहीं, उसे चीर कर खाने भी वाला था। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जिस समय चिकारा काम्या की पेट पर हाथ रखकर पाया गया था, वो उसके पेट को चीरने की नहीं बल्कि उसके पेट से बहते लहू को रोकने का प्रयास कर रहा है। हुआ कुछ यूं था यार ऑनर, कि चिकारा को देखकर ये और काम्या हड़बड़ा गए, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, चिकारा ने इन्हें धक्का मारा, ये गिर गए, इन्होंने नाटक किया योर ऑनर बेहोश होने का, ये वास्तविकता में बेहोश नहीं थे। काम्या को रोता हुआ देखकर चिकारा डर गया, वहां से भाग गया और फिर ये भाई साहब जो नाटक कर रहे थे ये उठे। चाकू के ऊपर से अपने निशान पोंछ दिए। काम्या की चीख सुनकर चिकारा वहां लौटा और जब उसने काम्या के पेट में चाकू देखा यार ऑनर, तो उस चाकू को सर्वप्रथम निकाला और फिर उस लहू को रोकने का प्रयास किया। सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने काम्या को नहीं मारा, उसके लिए तो मैं अपने आप को भी मिटाने को तैयार था। सर, मैं काम्या को कैसे मार सकता हूँ? उसे बचाने के लिए तो मैं इस चिकारा से भी भिड़ गया था। अच्छा, उसे बचाने के लिए तुम चिकारा से भिड़ गए थे। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम काम्या को मारने के लिए तुमने ये सब किया? अगर तुम उसे बचाना चाहते थे तो चिकारा को देखकर तुम, संभव है कि वहाँ उपस्थित जो सुरक्षाकर्मी है जंगल में वो तुम्हारी सहायता करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम परिस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बुलाता भी तो किसे? ये रूप सिंह तो उस समय वहाँ पर था भी नहीं जब मैं और काम्या वहाँ से निकले। ये रूप सिंह ये वहां पर होता भी तब भी ना बचाता, क्योंकि काम्या की मौत से कुछ घंटों पहले ही रूप सिंह और काम्या के बीच में कहासुनी हो गई थी। ए चोरी, तारे को समझ में नहीं आवे कि तारे को दिखाना देवे? हमने कितनी बार बोलियो कि अनिशु आगे जंगली जानवर को खतरों से, तो भी तू अंदर मरण खातर जा रही से? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की, मेरा हाथ पकड़ने की? भूलो मत, मेरे डैड यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है और तुम एक मामूली से फॉरेस्ट गार्ड। अपने औकात में रहो, समझे? ठंड रख, जान दो उसे। जाने तो ना दूंगा इसे जिंदा। वो तुम्हारा मुंह से ऐसे गुस्से में निकल गया से। और गुस्से में तुमने उसकी हत्या भी कर दी, और ऐसे ही नहीं, तूने प्रतीक्षा की जब अवसर मिलेगा तब करोगे, और उस रात को तुम्हें अवसर मिला।
इस प्रकार से तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को हत्यारा बना दिया। वकील साहब, आप मारे पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। जज साहब, मारे पे विश्वास करो, मैं कामिया का खून ना किया से, कामिया का खून आज चिकारा ने किया है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक रूप सिंह पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। उनके पास रूप सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं, जबकि चिकारा के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। इसे खून करते हुए ना सिर्फ रूप सिंह ने देखा था, लेकिन ग्रुप के सारे लोगों ने देखा है। सारे सबूत और सारे गवाह चिकारा के खिलाफ है, फिर क्यों इस केस को बेवजह बढ़ाया जा रहा है? मैं केस को बेवजह नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं केवल एक व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, इतना भी नहीं बोल पाता कि वो निर्दोष है, उसे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जबकि हत्यारा तो रूप सिंह है। वकील साहब, मैंने कितनी बार बोल दिया कि मैंने खून ना किया से मतलब ना किया। तो क्या ये सत्य नहीं है कि तुम जंगल में अवैध रूप से तस्करी का काम करते हो? वो क्या बोल रहे थे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारा भागीदार ईश्वर चंद, उसने बताया हमें, पुलिस ने उसे पकड़ा है सप्लाई करते हुए, और उसने माना है इस बात को कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम दोनों उस जंगल से जानवरों के खाल, पेड़ इत्यादि, इन सब चीजों की तस्करी करते हो। यो बात सही से, पर मैंने कामिया का खून ना किया से, मारा विश्वास करो कि मैं एक डील करन खातर जा रहा से। मारे को बंदरों के चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? बंदरों के चीखने की आवाज सुनी? जी सर। आप एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं रूप सिंह की मदद से? सुने ना, जंगल में सारे पशुओं में बंदर जाति ही एक जाति है जो मनुष्य के सबसे निकट है। ऐसा कहते हैं कि बंदरों की भाषा में 100 से अधिक शब्द का उपयोग होता है। सर, यू मीन आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, सुने ना, मैं उनसे बात नहीं करने वाला। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बंदर की जाति है जंगल में, ये अमरीकी बंदर है, दियाना, बहुत ही चतुर जाति है। जो आवाजें उन्होंने की थी जब हत्या हो रही थी, उन आवाजों द्वारा विशेषज्ञ से पढ़वा कर मैं हत्यारे तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। रूप सिंह, मैं तुम्हें कुछ बंदरों की आवाज सुनाता हूं, मुझे बताने का प्रयास करो कि उस दिन किस प्रकार की आवाज सुनी थी तुमने। जी वकील साहब, मैं छोटे से बड़ा जंगल में हुआ हूँ और ऐसी छोटी मोटी आवाज मैं भी निकाल सकूं। ना, ये आवाज ना से। ये? ना, ना ये बिना। हाँ, कुछ ऐसी थी। नहीं, ऐसा कुछ या यही है? वकील साहब, यही आवाज से। पूरा विश्वास है तुम्हें? जी वकील साहब, मारे को पूरा विश्वास है, यही आवाज थी। राजेंद्र जी, बताइए, बंदर के इस तरह चीखने का क्या मतलब होता है? मिस्टर पाठक, बंदर ऐसी आवाजें तभी निकालते हैं जब उन्हें किसी प्रकार के किसी इंसानी खतरे का एहसास हो, और खास करके तब जब उनके हाथ में हथियार हो। इतना तो हम भी जानते हैं राजेंद्र जी, कि हत्या किसी मनुष्य ने ही की है। और ये इंसान जंगली मानव भी हो सकता है? जी नहीं मिस दीक्षित, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये चिकारा तो वहीं जंगल में सब प्राणियों के साथ में रहता है, सारे प्राणी उसके दोस्त हैं, मित्र हैं। वो कभी चिकारा से कभी इस तरह का किसी खतरे का आभास नहीं करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ राजेंद्र जी? क्या लगता है आपको, क्या कौन हो सकता है? मिस्टर पाठक, ये कहना तो मुश्किल है, उनकी भाषा सीमित है। लेकिन मैं जब 2 साल माथेरान में रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा था कि जब बंदर घरों में घुसकर खाने का सामान वगैरह चुराते थे और औरतें उन्हें भगाने के लिए किसी प्रकार की वस्तु जैसे कि बेलन, डंडा इत्यादि का इस्तेमाल करती थी, तब बंदर ऐसी ही आवाजें निकालते थे। आप कहने का तात्पर्य ये है कि संभवतः कोई महिला थी जिसने हत्या की? शायद मिस्टर पाठक, क्योंकि मेरी ये थ्योरी थोड़ी साइंस और थोड़ी अनुभव पर आधारित है। हाँ तो केडी, अब तुम ये कैसे साबित करोगे कि वो कातिल औरत कौन थी? अगर आप मुझे 2 दिन का समय दें तो मैं हर रूप से प्रयास करूंगा कि ये प्रमाणित कर सकूं। ठीक है केडी, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। जी योर ऑनर।
आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि आप जानते ही हैं, अब ये संदेह उत्पन्न हुआ है कि इस केस में हत्या एक महिला ने की है। योर ऑनर, इस केस से जुड़े और वहां घटनास्थल पर तीन ही महिलाएं उपस्थित थी, निशा, नीलिमा और अंजलि। कमाल है मिस्टर पाठक, एक बंदर के आवाज के आधार पर आप मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना कहा मैंने, क्या होता है कि संभावनाओं को टटोल कर ही व्यक्ति अपने उद्देश्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और आए, जैसे कि मैंने कहा, संभावनाएं हैं तो ये सारी महिलाएं सस्पेक्ट हैं। अब इनके द्वारा, योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम असल हत्यारे तक पहुंच ही जाएंगे। प्लीज इलैबोरेट, आपकी भाषा में विस्तार से समझाइए। अब आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ। योर ऑनर, इस समय हत्यारिन कौन है ये बताना कठिन है, किंतु मैं विस्तार में आपको बता सकता हूँ कि घटनाक्रम क्या रही होगी। उस रात काम्या और सुहेल टहलने रात को बाहर निकले, और वो महिला जो वहां उपस्थित थी, जिसकी व्यक्तिगत शत्रुता थी काम्या से, वो उनके पीछे पीछे बाहर निकली। जिसके पश्चात योर ऑनर, उस महिला ने ये जो हथियार था चिकारा का, जो वहां गिर गया था, उसका उपयोग करके काम्या की हत्या की और फिर जाकर के जंगलों में छिप गई। चीख सुनने के बाद जब लोग वहां पहुंचे तो फिर वो उन लोगों में शामिल हो गई। वहां कहीं सीसीटीवी कैमरा था क्या? नहीं ना, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो औरत खून करके फिर जंगलों में जाकर छुप गई? आप अपनी इस थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, क्या तकलीफ है, नए युग में यही कष्ट है। नवीन तकनीक पर हम इतना निर्भर करते हैं कि पुराने ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं अंजलि जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। दाहिना हाथ दिखाइए, ये वाला राइट हैंड। कैसे हो गया ये रैश? तो मुझे मैंने आज सुबह ही नोटिस किया। अच्छा, आज सुबह ही नोटिस किया आपने। जहाँ तक का मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे सहायकों ने मुझे जानकारी दी है कि जिस जंगल में आप ठहरी थी, जहाँ ये घटना घटी, उस जंगल में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके स्पर्श से त्वचा रोग होता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि आप जंगल में छिपी थी। छोड़िए, उस पर आएंगे। ये बताइए, आप हियरिंग एड पहनती हैं क्या? हियरिंग एड पहनती हैं आप? हाँ, यही पूछ रहा था मैं। हियरिंग एड पहनती हैं आप? राइट सर, देखो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, इस तरह टोकती रहेंगी मिस दीक्षित तो सत्य तक कैसे पहुंचेंगे? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। धन्यवाद मिसेस अंजलि भार्गव, आप कृपया अपना हियरिंग एड निकालकर मिस्टर पाठक को दे दीजिए। न्यायाधीश महोदय ने कहा है, अब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि इस समय अंजलि जी हमें ये बताएं कि इन्होंने किस रंग की कमीज पहनी है। ये लगा लीजिए सर। लग गया। न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी, अभी अभी जो मैंने आपसे प्रश्न किया था। सुना नहीं आपने प्रश्न, क्षमा चाहता हूं, सुनाई नहीं दिया आपको, क्योंकि आपने हियरिंग एड तो पहना नहीं था, तो कैसे सुनाई देगा? और जो जो जिस कक्ष में आप ठहरी थी उस रात घटनास्थल पर, वो आपका कक्ष तो एकदम अंत में जाकर था, लास्ट वाला। ये बात बताइए कि आप तो सो रही थी उस समय, तो हियरिंग एड निकालकर सो रही थी, जिस प्रकार से आपने अभी अभी हियरिंग एड निकाला था और 6 फुट की दूरी से किया गया प्रश्न आपने सुना नहीं, तो हियरिंग एड के बिना आपने उस कक्ष में काम्या के चीखने की आवाज कैसे सुन ली? सुन ली तो सुन ली,
सब लोगों ने सुनी और रास्ता ढूंढते घटनास्थल तक पहुंचे, किंतु आपने तो अंधेरे में अचूक अनुमान लगा लिया कि घटनास्थल कहाँ होगी और तुरंत वहां पहुंच गई। ऐसा कैसे? सत्य ये है कि आप ही थी जो सुहेल और काम्या का पीछा करते करते जंगल गई थी, और जब आपने देखा कि दोनों में झड़प हुई और शिकारा का यह हथियार वहां गिर गया, आपने उस अवसर का लाभ उठाया और काम्या की हत्या की। देखिए, अब तक तो आप झूठ ही बोलती आई हैं, हत्यारिन भी हैं आप, सच बोल दीजिए, उसके दरबार में जाएंगी तो थोड़ा बहुत रहम तो करेंगे। हाँ, मैंने ही मारा है काम्या को। मैंने ही उसका खून किया। दरअसल मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, और मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस दिन काम्या ने हमें पेड़ के पीछे एक साथ देख लिया था। काम्या? साहिल, काम्या ने हमें देख लिया है और उसके हाथ में कैमरा भी था। वो लड़की जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तुम जाओ, मैं उससे बात करके आती हूँ। काम्या रुको, काम्या रुको, काम्या सुनो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो बस कल की प्लानिंग कर रहे थे। इस तरह सुनसान जगह में गले लगकर आप दोनों कल की प्लानिंग कर रहे थे? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते मॉम। आपने पापा को जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। आपकी सच्चाई इस कैमरे में रिकॉर्ड है। इसीलिए मैं काम्या के कमरे में गई। और फिर मैंने उनका पीछा किया। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अंजलि भार्गव को काम्या के कत्ल का दोषी मानती है, लिहाजा ये अदालत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और जंगली मानव चिकारा को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.